मोटे गंदे भालो, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक और बार। अच्छा होगा कि अलग अलग भागे। ठीक है। ठीक है, कहाँ तक भागोगे? गंदे भालो रुक जा। ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है आज। उसने तो मुझे पकड़ ही लिया था, बहुत मुश्किल से बचा हूँ मैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये तो उसका घर है। अरे वो यहाँ कहाँ होगा, वो तो मेरे भाई के पीछे पड़ा है। मैं कितना खुशकिस्मत मालूम, उधम मचाने का वक्त आ गया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है लखा इस पे सोता है। कितना मस्त। अरे ये क्या है? ये तो चमक रहा है। शायद इसका मतलब ये बहुत गर्म था। ये तो सबसे अच्छे पॉपकॉर्न है। इसके साथ तो मैं जंगल पर राज करूंगा। ये आया चमकने वाला भालू, ये जंगल का राजा और रक्षक। किसे चाहिए? ए रेंचो, क्या हुआ? तुम बहुत दुखी लग रहे हो। मेरी डंडी टूट गई। अरे बस इतनी सी बात, मेरी चमकने वाली छड़ी साफ ठीक कर देगी। बहुत अच्छी बात है, पर इसका कोई मतलब नहीं। रेंचो मुझ पर भरोसा करो, मैं चमकने वाला भालू। देखो और सीखो। और ये रहा फाइनल टच। ये लो। डब्लू बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो झकास लग रहा है। हाँ। राजा वापस आया, जश्न की तैयारी करना और आइसक्रीम मत भूलना। मेरी जादुई और चमकदार छड़ी से सारी मुश्किलें हो जाए आसान। चमकने का टाइम। सैली तुम्हें क्या हुआ? मैगजीन में लड़कियों के कितने सुंदर और कर्ली बाल हैं, और मेरे एकदम सीधे और बोरिंग हैं। मुझे लगता है मैं टकली होने वाली हूँ। मेरे बालों के बारे में कुछ भी खास नहीं है। चिंता मत करो सानी, चमकने वाला भालू तुम्हें बचाएगा। तो तुम्हें कैसा लगा? वाह, थैंक यू डब्लू, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसकी चिंता मत करो, ये मेरे लिए खुशी की बात है। अब मुझे दूसरों की मदद के लिए जाना होगा। बाय बाय। थैंक यू प्यारे डब्लू, बाय। बचाओ, अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। चमकता हुआ भालू, चमकता हुआ भालू दुनिया में सबसे अच्छा। गंदे भालू,
तुम इतने बदबूदार हो गए मुझे दूर से ही पता चल गया। ओए लक्के, मैं इधर हूँ। तुम पछताओगे। तुम मुझे नहीं मार सकते। चलो अब बहुत मस्ती हो गई। ए, क्या बोल रहे थे तुम मेरे निशाने के बारे में? ठीक है, मुझे लगता है मैं भालुओं के स्वर्ग जा रहा हूँ। चमकदार भालू आया बचाने। मेरे भाई से कोई पंगा नहीं लेगा, खास करके वो मेरा चमकदार भालू का भाई हो। तुम लाजवाब हो चमकीले भालू। गंदे भालू। भाई पकड़ो इसे। Hey, bye! अरे माफ कर दो, अरे बच्चे को छोड़ दो। अरे अरे माफ कर दो। अब मेरा कमाल देखो। ओ लड़के किधर जा रहा? वहीं रुक जाओ। बंद करो और यहाँ पर वापस आओ। आ जाओ मोटे वालो। और ये ले। अब चला गया। तुम्हारी चमकीली छड़ी तो पानी में काली हो गई। ये टूट गए। अब हम क्या करेंगे? ठीक है गंदे भालू, अब उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, कुछ नहीं, मेरे पास और है। भालो, मोटा गंदे भालो, रुक जा। चलो अलग हो जाते हैं। ठीक है, बहुत लाइन साफी है। तुम गए, अब तो तुम दोनों उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लड़ना है तो नहीं जाओ। ये तो बहुत बेईमानी है। बेईमान, मुझे यकीन नहीं होता फिर से भाग गए। मैं बदला लेकर आऊंगा, लेकिन थोड़ी नींद के बाद में। अब ये मेरा बिस्तर किसने तोड़ दिया? भगवान, ये तो बहुत बड़ा तिरस्कार है। ओ गंदे भालो, लानत है तुम पे। Ha 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 ha!
पिकनिक का मजा सिर्फ हमारे साथ ही है। सही कहा, आओ भाई इस जंगल में सबसे अच्छा पिकनिक हम मनाते हैं। सही कहा। हाँ ठीक बात है, पर कितना बढ़िया होता अगर हम खाते खाते कहानियाँ बोल सकते। क्या कहते हो दोस्तों? सही कहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरी कहानी पसंद आएगी। भाई सबको एक स्टोरी सुनाओ। सबर रखो, देखते हैं हमारे पास क्या है। द लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी। ओ, ये सुन चुका हूँ मैं। लिटिल रेड सनी हुड। अरे हाँ, इसमें थोड़ा मसाला डाल देते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए कहानी में मिर्च मसाला डालूंगा। ठीक है। ठीक है, मुझे सोचने दो। हाँ, ये ऐसे शुरू होता है। बहुत पहले की बात है, इसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था सनी। वो बहुत ही दरिया दिल थी, चालाक और हाँ खूबसूरत। लिटिल रेड सनी हुड अपने चटक लाल कपड़ों के लिए बहुत मशहूर थी। वाओ, शानदार। मैं हूँ वो लड़की जिसका नाम है लिटिल रेड सनी हुड। वाओ, मैं भी इस कहानी में आना चाहता हूँ। भाई मेरे लिए भी इस कहानी में करेक्टर दो, मैं भी आना चाहता हूँ। तुम लोग कहानी में आना चाहते हो? ठीक है भाई, तुम सनी हुड की माँ बनोगे। मैं माँ बनूंगा? बिल्कुल सही, तुम बहुत ही जरूरी किरदार हो और पूरी कहानी एक्चुअली तुमसे ही जुड़ी हुई है मेरे भाई। हाँ, बढ़िया। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे मेन रोल चाहिए। ठीक है, और मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं लिटिल रेड सनी बनूं और वो मेरी चेली बने तो कैसा रहेगा? ठीक है, बोलते रहो बेवकूफ, तुम ही क्यों नहीं हमारे लिए कहानी सुनाते हैं? नहीं नहीं, तुम ही कहानी सुनाओ भाई। ठीक है फिर, एक दिन सनी हुड की माँ ने बोला। अरे हाँ, मैं सनी हुड, मैं चाहती हूँ कि तुम दादी माँ के घर इस टोकरी में कुछ सामान लेकर जाओ, इसमें उनके लिए दवाइयाँ हैं। हाँ मैं इसे बिल्कुल लेके जाऊंगी, मैं इसे दादी माँ के पास ले जाऊंगी। अरे हाँ, एक और बात याद रखना कि हमेशा हाईवे से ही जाना। समझ गई, बाद में मिलते हैं माँ। बाय बाय सनी हुड। गुड बाय मम्मी। दादी का घर किस रास्ते जाता है? ठीक है, जंगल के अंदर, जंगल से गुजरकर। हाँ, मैं जंगल से जाऊंगी। हो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर बूम, चिरको टुल्लू जमीन पर गिर गया क्योंकि उसे सोने का दौरा पड़ा था। किस किस्म का पंछी गोड़ना नहीं आता। उसे पानी से भी डर लगता है और जब वो भीग जाता है वो बेहोश हो जाता है, पर उसकी चिंता मत करो, जब तक ये कहानी खत्म होगी ना तुम हीरो बन जाओगे। तो हम कहाँ थे? Hey, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ पीने को मिलेगा? ठीक है, यही रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। क्या है? ये कितना बढ़िया है। या, 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 काश मैं पढ़ पाता। अब कम बन जाएगा, अब तो इन दोनों में कुछ ना कुछ है। अब इसके बदले कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। हो गया, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मैं आ गई। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम तो ठीक हो, मैं तो डर ही गई थी। अब तुम भूलना मत, तुम्हें उठने के बाद ये पानी जरूर पीना है। कौन है? दादी, मैं हूँ आपकी पोती। चांद राजा,
रोजा बाजार में खाना बना रही हूँ। काफी लजीज लगता है, मुझे बहुत भूख लगी है। ये औरत बहुत ही खराब खिचड़ी बनाती है। दादी, दादी आप कहाँ हैं? दादी मैं हूँ, मैं मीरा की बेटी सनी। दादी माँ, दादी, हाँ, दादी कहाँ गई? अरे बाप रे, दादी माँ, वो कहाँ होंगी? दादी माँ, दादी माँ आप बीमार हैं? अरे कैसी हो गुड़िया? हाँ दादी माँ, दरअसल ऐसा हुआ कि दादी माँ आपकी आवाज अजीब है। अरे ऐसा नहीं है, वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और उम्र का तकाजा भी तो है ना। ठीक है, पर दादी आपके हाथों को क्या हुआ है? अरे वो तो सूजे हुए हैं। देखिए मैं आपके लिए कुछ फल और दवाइयाँ लेके आई और बगीचे से भी कुछ लेके आई। और ये भी है, इस बोतल में टमाटर का जूस है जो मम्मी ने खास आपके लिए बनाया है। मेरी प्यारी गुड़िया, मैं ठीक हूँ गुड़िया। दादी माँ इसे ट्राई कीजिए। हरा निकालो इसे, हरा निकालो इसे, हरा। हाँ मैं हूँ, क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हारी दादी की तरह तुम्हें भी खा जाऊंगा। अब यहाँ समझ नहीं रहे हो, नेचर ने सब कुछ इसी तरह बनाया है। अच्छा निशाना था। तो तुम मेरे साथ लुका छुपी खेलोगी? तो बताओ कहाँ छुपी हो? हाँ सही कहा, बाहर सड़क पे जा। टेबल के नीचे। मैं नहीं हिलूंगी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ो, लेट मुझे। अरे माँ क्या? ठीक है, अपने आप को हीरो समझते हो? चलो आओ देखते हैं कितना दम है। अच्छा रुको, एक मिनट। तो बात साफ है कि शिकारी के पास बंदूक है, पर इस वक्त तुम्हारे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना? हाँ तुम सही कह रही हो, इस तरह कोशिश करते हैं। हाँ क्या बात है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने कहानी बदल दी तो तुम उसे बचा लोगे? किसी हीरो का एक चमचा तो होना चाहिए ना, वो उस बड़े भेड़िये को अकेले थोड़े हरा सकती है। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं कहाँ था? फिर से नहीं। बहुत हो गया। हे तुम ठीक तो हो ना? अरे दोस्त, मेरा मतलब मुझे एक छुट्टी चाहिए। और हमारी कहानी खत्म। कितनी बढ़िया बात है, हंसी आ रही है। मुझे तो कुछ और ही याद है। लगा वापस आओ चलो।